हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्नो गब्बर पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप से रिलेटेड दो ट्रिक्स बताऊंगा। ये दोनों ट्रिक्स बहुत ही मज़ेदार हैं। पहले ट्रिक में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे किसी की भी व्हाट्सएप स्टेटस को सीन कर सकते हैं और सामने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने उनके स्टेटस को देखा है। सेकेंड ट्रिक में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे अपने व्हाट्सएप के प्रीवियस मैसेजेस को फिर से रिकॉल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ट्रिक नंबर वन, सबसे पहले हमें अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। इसके बाद हमें व्हाट्सएप के सेटिंग में जाना है। यहाँ पे हमें अकाउंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमें प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे जाना है। अब हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आना है। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है रेड रिसिप्ट का, तो यहाँ पे हमें इसे अनमार्क कर लेना है। बस हमारा काम हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास दो फ़ोन हैं, तो मैं अपने दूसरे वाले फ़ोन के व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ स्टेटस वाले सेक्शन में कुछ भी स्टेटस अपलोड कर लेता हूँ। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, स्टेटस अपलोड हो चुका है। अब मैं फिर से अपने पहले वाले फ़ोन के व्हाट्सएप को ओपन करूँगा और यहाँ पे उस स्टेटस को सीन करूँगा। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे वो स्टेटस शो हो रहा है। तो आइए इसे सीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने उस स्टेटस को सीन कर लिया। तो अब मैं फिर से अपने दूसरे वाले फ़ोन पे जाऊँगा और देखूँगा कि क्या मेरे स्टेटस सीन करने के बाद वहाँ पे मेरा नाम या मेरा नंबर शो कर रहा है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ अभी भी जीरो ही शो हो रहा है। मतलब इस तरह से हम किसी के भी व्हाट्सएप स्टेटस को सीन कर सकते हैं और उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अब मैं आता हूँ ट्रिक नंबर टू पे। तो इस ट्रिक को बताने के पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मैंने अपने दूसरे वाले व्हाट्सएप पे कुछ देर पहले दो मैसेजेस भेजे थे। अगर मैं उन मैसेज को अभी डिलीट करना चाहूँ तो मुझे डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो आइए अब इस ट्रिक को देखते हैं, क्या है ये ट्रिक। तो सबसे पहले हमें अपने फोन के इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ कर लेना है और अपने रिसेंट ऐप से भी व्हाट्सएप को रिमूव कर लेना है। इसके बाद हमें अपने फोन की सेटिंग में जाना है और यहाँ पे हमें एक ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, तो हमें इस ऐप्स वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे हमें व्हाट्सएप सर्च करना है। तो ये रहा हमारा व्हाट्सएप। इस व्हाट्सएप को ओपन करना है। इसके बाद जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे, हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, एक अनइंस्टॉल, एक फोर्स स्टॉप। तो हमें यहाँ पे फोर्स स्टॉप कर लेना है। अब हमें बैक आना है और अपने फोन के डेट एंड टाइम वाले सेटिंग में जाना है। ये रहा हमारा डेट एंड टाइम का सेटिंग। यहाँ पे सबसे पहले हमें ऑटोमेटिक टाइम एंड डेट को ऑफ कर लेना है। अब हमसे यहाँ पे डेट एंड टाइम सेट करने के लिए पूछा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे वो टाइम एंड वो डेट डालनी है हमें जिस डेट को एंड जिस टाइम को हमने मैसेज भेजा था। तो जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले दिखाया, मैंने 10:03 पे अपने दूसरे वाले फ़ोन पे मैसेज भेजा था और डेट तो आज का ही था, तो डेट मैं आज का ही रहने देता हूँ। और यहाँ टाइम पे 10:05 या 06 सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये
कि यहाँ पे जो मैसेज का टाइम होगा वो सेम टाइम यहाँ पे हमें नहीं डालना है, उस टाइम से 2-3 मिनट आगे का टाइम हमें यहाँ पे डालना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे सारा कुछ डाल दिया है, अब फिर से मैं वापस आता हूँ अपने व्हाट्सएप पे और अब फिर से उसी मैसेज को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि हम देख सकते हैं अब हमें डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। अब इसके बाद हमें अपने फ़ोन की इंटरनेट सेटिंग को फिर से ऑन कर लेना है। तो जैसे ही हम अपने फ़ोन के इंटरनेट की सेटिंग ऑन करेंगे दूसरे वाले फ़ोन से ऑटोमेटिक वो मैसेज डिलीट हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वो मैसेज डिलीट हो गया है। तो इस तरह से हम अपने कितने भी पुराने मैसेज को रिकॉल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा ज़रूर बजाएं। थैंक यू।